तो हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्ट वॉच। यहाँ पे कुछ बॉक्स का लुक देखिए, आपको लुक दिखा दूं। यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स का कलर गोल्डन में है गाइस, यहाँ पे गोल्डन ही गोल्डन आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ब्लैक लोगो है, इसका मतलब गाइस ये है इसके अंदर एक ब्लैक स्टेप है। एक वॉच के साथ गोल्डन स्टेप आपको अलग से मिलेगी। यहाँ पे आपको गाइस मॉडल नंबर इंट्रोड्यूस करा दूं, C9 अल्ट्रा मैक्स स्मार्ट वॉच। और यहाँ पे देख सकते हैं वॉच का कुछ बार कोड है। यहाँ पे देखिए गाइस गोल्डन एडिटेशन, यहाँ पे दिखा दूं आपको वॉच अल्ट्रा टेक्नोलॉजी चेंजर्स लाइफ। यहाँ पे कुछ दे रखा गाइस हार्ट रेट और डिस्प्ले के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए 2.09 इंच की इसकी डिस्प्ले है, 49 mm। यहाँ पे देखिए हार्ट रेट है, स्टेप काउंट है, वायरलेस चार्जिंग है। स्टेप काउंट ये गाइस जो आप रनिंग करते हैं तो वॉच में वो काउंट होता है, जैसे कितने कदम आपने चले। तो यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जिंग भी। कुछ आपको पीछे का भी नजर दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे क्या क्या है। यहाँ पे देखिए इसका QR कोड है, अगर आप इसे स्कैन करते हैं तो आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका स्कैन भी नहीं होता है तो इस साइड में देखिए ऐप का नाम दे रखा है और ऐप का लोगो भी दे रखा है। ऐप का नाम मैं आपको बता दूं, हेरिन फाइन। आपको जरा फोकस करा देता हूं, ये देखिए हेरिन फाइन के नाम से ऐप आएगा प्ले स्टोर पे, इसे डाउनलोड कीजिए। ओके, इसे डाउनलोड कीजिए। पूरी वॉच को यही कंट्रोल करता है, मेड इन चाइना। गाइस अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जैसे कोई भी न्यू वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए गाइस अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने बॉक्स को कुछ ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते कुछ इस टाइप का लुक आ रहा हमारे बॉक्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्टार्ट करते हैं स्टेप से। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ब्लैक स्टेप। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक स्टेप है। कुछ इसका मटेरियल मैं आपको बता दूं, इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है। यहाँ पे काफी बढ़िया है चीज जो है, क्वालिटी भी बढ़िया है इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाकी आप देख लेना जो आप लोग हैं वॉच, तो इसे भी रख देते हैं साइड में। अब निकाल लेते हैं गोल्डन स्टेप जो वॉच के साथ है, जो बिल्कुल मैच होती हुई स्टेप है। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पिन्नी के अंदर पिन्नी चढ़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है इसका, स्टेप गोल्डन का। देखिए कुछ लॉक्स दे रखे हैं, जैसे कि आप एडजस्ट कर लेना लगाते समय। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की हमारी स्टेप है, बेहतर है, बढ़िया है। तो चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में और इसके अंदर जने निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमारे वायरलेस चार्जर भी तो है। ये हमारी डाटा केबल है, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट है डाटा केबल। आप इसे चिपकाते हैं तो ये चिपक जाती है, बहुत से जैसे टच करने की देरी होती है एकदम चिपकती है ये। ओके, तो चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में। और एड लॉक तो आपको दिखाया नहीं, वैसे भी कोई दिखाने वाली चीज तो है नहीं। क्या बोला तूने? साइड में भेजो, बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस अब निकाल लेते हैं अपनी प्यारी सी स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे कुछ आप इसका लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले तो इसके फ्रंट पे फोकस करिए, फिर आप करिए इसके बैक पे। बैक देखिए, बैक तो काफी सॉलिड है, सॉलिड है भैया, सॉलिड है। देखिए पिन्नी कितनी चमक रही है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं शाइनिंग तो ऐसे मारी है जैसे कोई लेडीज मेकअप करती तो उतना उसका थोबड़ा भी नहीं चमकता, कुछ पॉच चमक रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ 4 स्क्रू हैं, बिल्कुल ओरिजिनल मिलेंगे आपको, कोई ऐसे नहीं लोकल पोकल है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइडों में भी आपको नजर मरवा देता हूँ। यहाँ पे मारते हैं स्क्रॉल गया हुआ बटन है, जैसे राउंडेड बटन होता है, जिसे क्या नाम है गोल गोल घुमा सकते हैं। जैसे क्या नाम है कोई भी चीज थंबनेल वंबनेल हटाना होता है, बैक करेंगे तो आप इसे दबा के बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पावर ऑफ का बटन भी है, बीच में माइक्रोफोन है। तो साइड में आपके देख लेते हैं, इधर एक बटन और दे रखा है और ये साइड में जस्ट स्पीकर है। तो गाइस मैंने आपको बैक भी दिखा दिया, फ्रंट भी दिखा दिया, अब कर लेते हैं वॉच को ऑन कि हम जान सकें कि इसके अंदर और चीज है, फीचर है और क्या है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अपनी वॉच को ऑन। इसे एक बार टैप करके रखेंगे तो ये हमारी वॉच चालू हो जाएगी। ये देखिए हेलो का लोगो आ रहा है, तो ये वॉच ने भी हमें हेलो बोल दिया, हाय। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम कर देते हैं बटन पे टैप। यहाँ पे देखिए कुछ इसका स्टाइल ऐसे बना हुआ रहा है, जैसे वॉच का, वैसे बहुत सौ का वॉच का स्टाइल वैसा आता है ना एक साथ ऐप। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप में स्टाइल बना हुआ रहा है, ये देख सकते हैं। स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर और भी स्टाइल होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसके अंदर क्या क्या है, मैं शुरुआत से दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए,
ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट है यहाँ पे, देखिए डायल है, डायल नंबर कर सकते हैं, मतलब आप टाइप मतलब नंबर भी लगा सकते हैं इसे, ये कॉलिंग है, ये मैसेज है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पेडीमीटर है, ये स्लीप है, और यहाँ पे देख सकते हैं बीटी कैमरा है, ओके, ये ब्लूटूथ से जैसे कनेक्ट हो जाता है ना, तो ये कैमरा आप मोबाइल से भी चला सकते हैं कनेक्ट करके। बीटी म्यूजिक है, और यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म्स है, सेटिंग में चले जाते हैं, एक बार सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी मोड भी है, यहाँ पे आप डोंट डिस्टर्ब मी मोड भी लगा सकते हैं, एक मिनट से पहले ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, कोई सी भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं क्या हो गया ये इंग्लिश पे कर देता हूँ, सॉरी किस पे हो गया, इंग्लिश में मैंने सेट करते वो हाथ से टच हो गया। तो चलो बैक आ जाते हैं, यहाँ पे और भी दिखा देते हैं इसके अंदर क्या है, टाइम सेटिंग है, और ये क्या है, ये ब्राइटनेस है, तो आप इसे क्या नाम है कम करेंगे तो कम हो जाएगी, जैसे आप कम रखना चाहते हो प्लस पे करके से फुल कर लेना, फिलहाल तो फुल थी, फुल रहने दो, ज़्यादा तेज मत चलो, इधर आ जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन टाइम का मतलब गाइस ये है, तो अगर आपकी वॉच अगर 5 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर बीच में बंद हो रही है तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। इसमें कितना रहते रखा है लास्ट, तो ये देखिए 60 सेकंड, यार इसमें कम है, मैंने बहुत सी वॉचों में देखा है लास्ट 3 मिनट होता है इसमें 60 सेकंड का, तो पर कोई नहीं गाइस, 5 सेकंड से तो बढ़िया है, हम 60 सेकंड पे कर लें, तो ये 60 सेकंड के अंदर अब आपकी वॉच बंद होगी। तो गाइस देख सकते हैं ये रिबूट है, यहाँ पे आपका नाम है इसे डन पे करके क्या नाम है आपका अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, ओके, मतलब वॉच स्विच ऑफ हो गया, अब अपने आप ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट फैक्टर, यहाँ से आप वॉच को रीसेट भी मार सकते हैं, ये अबाउट वाले सिस्टम में जाएंगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं इसका वॉच का नाम आ रहा है वॉच अल्ट्रा, और इसका क्या नाम है वर्जन आप देख सकते हैं, वर्जन इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है यहाँ पे V1.0, ओके, और दिखा देते हैं आपको क्या नाम है, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या नाम है फंक्शन चेंज होते रहेंगे, मतलब ये जितने भी देखिए यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर्स है, और भी क्या नाम है चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या नाम है, ये एक मिनट, यहाँ पे वॉच को ऑफ करके यहाँ पे आपको शटर के मैसेज वाला आ गया, सॉरी मिरर्स आएगा, यहाँ पे ब्लूटूथ है, टॉर्च है, ब्राइटनेस है, रनिंग है, ये क्या नाम है आपको क्या दे रखा है ये क्या नाम, हाँ ये स्टाइल है, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने स्टाइल था बताया था, आप स्टाइल जो चेंज कर सकते हैं नए से नए स्टाइल इसके अंदर। चलिए बैक आ जाते हैं, यहाँ पे क्या नाम है म्यूजिक है, यहाँ से आप म्यूजिक की क्या नाम है ब्लूटूथ से जब आपकी कनेक्ट होगी म्यूजिक ऑन हो जाएगा, सबसे पहले हम कर लेते हैं ब्लूटूथ ऑन क्योंकि हमें ऐप से भी कनेक्ट करना है, आपको DP लगा के दिखानी है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे कुछ इसके नॉर्मल थंबनेल है जो आप देख सकते हैं जो चेंज हो रहे हैं, अगर आपको अपनी DP या थंबनेल लगानी है तो आप उसे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो मैंने आपको बताया था हेयर इन फाइन के नाम से ऐप आएगा प्ले स्टोर पे, ओके, अपनी DP लगाने के लिए सबसे पहले उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ, तो ऐसी वीडियो में बने रहिए गाइस। तो अब हम आपको थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वॉच का लुक देखिए, इसका वजन भी काफी सही है, ज्यादा भारी भी नहीं ज्यादा हल्की, बिल्कुल मीडियम नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे राउंड भी करेंगे आपके तो थंबनेल जब भी चेंज होते रहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप स्टाइल भी चेंज करते हैं जो मैंने आपको बता दिया, कॉलिंग है सब चीजें, बस ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी, फिर आपकी दब चलेगी। चल झूठा। तो चलिए बैक आ जाते हैं, अब हम ले लेते हैं एक मोबाइल आपको ऐप से कनेक्ट करके दिखाते हैं, ओके। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं फाइनली हमने मोबाइल ले लिया है, तो आपको सबसे पहले आपको ऐप दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए हेयर इन फाइन के नाम से ऐप है, ये देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आप इसे जरूर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में, ठीक है। अब जैसे हम कर लेते हैं ओपन, ये अपनी वॉच को एक मिनट आपको क्या नाम है शटर आपको ऊपर करना है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ऑन जरूर रखनी है अगर आप इसे ऐप से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने ब्लूटूथ को ऑन रख के इसे वॉच को रख देते हैं। अब इसे ऐप के कुछ स्टेप आपको बता दूँ, स्टेप मेरे को फॉलो करना है, यहाँ पे एग्री पे आपको टैप करना है, यहाँ पे अलाउ का परमिशन देना, जो भी परमिशन मांगेगा इस सबको आपको अलाउ करना है, ओके, यहाँ पे परमिशन आपको दे देनी है। एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई मेल वेल है, पासवर्ड आपको याद है तो यहाँ पे आप मेल डाल के पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं करना मतलब आपको देखना खाली ऐसे मतलब जैसे चेक करना, जैसे मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो आपको मेल पासवर्ड जरूर डालना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम कुछ नहीं डालते हैं, तो ये देखिए कुछ 8-7 सेकंड का कुछ गिनती चल रही है, इसे होने देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चलिए इसे होने देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है, कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, ये एक बार और कंफर्म करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, अब आ जाते हैं बैक, फिर इसे दोबारा ओपन करते हैं और इसे कर देते हैं बैक, तो ये देखिए हमारा ये ऐप चालू हो चुका है। गो टू सेट पे एक बार टैप करते हैं, यहाँ पे हमें इस ऐप की परमिशन ऑन करनी, देखिए अलाउ नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको ऑन करनी पड़ेगी, इसे अलाउ कर दिया हमने, अब बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ये होम पे हमें लिया आया। अब सबसे मेन चीज़ अब इसे वॉच को एक मिनट यहाँ रख देते हैं, आपको जाना अपने
अकाउंट वाले सिस्टम में यहाँ पे देख सकते हैं सर्च डिवाइस, यहाँ पे आपको टैप करना है, अलाउ करना है। यहाँ पे देखिए कुछ परमिशन मांग रहा है, आपको परमिशन वाले सिस्टम में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इन सबकी दी हुई है, पर ये आपके लोकेशन, माइक्रोफोन और क्या कहते हैं कैमरे की परमिशन नहीं दी गई, तो इन्हें सबको परमिशन दे देना जो जो नहीं है। देखो मैं दे देता हूँ जल्दी जल्दी, ये देखिए मैंने इन्हें परमिशन दे दी है, ये लास्ट आखिरी का बचा। तो ये देखिए परमिशन मैंने कंप्लीट कर ली। बाकी हम बैग, बैग आने के बाद सर्च डिवाइस पे टैप करना है, ब्लूटूथ पे एक बार और टैप करना है। देखिए सर्चिंग चालू हो चुकी है, ये हमारी ब्लूटूथ ऑन, एक मिनट, ये हमारी ब्लूटूथ ऑन है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आना चाहिए। देखिए हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर आ चुका है वॉच अल्ट्रा, ये हमारी डिवाइस है, इसे टैप कर लेते हैं। ये देखिए कनेक्टिंग चालू हो चुकी है, ये देखिए डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुल। ओके यहाँ पे व्यूज पे जाके देख लेते हैं, यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अभी देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब आपको कुछ सेटिंग मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको डिवाइस सेटिंग में जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन पर आना है। देखिए सब चीज़ ऑन है, अगर कोई भी जैसे मेरा इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैसेज आता है, जैसे व्हाट्सअप के रिलेटेड मैसेज आता है, ट्विटर्स की तरफ से आता है, तो वो मेरी वॉच पे शो करेंगे यहीं पर ऊपर के ना, यहाँ पे शटर ऊपर करेंगे, सब इंस्टॉल करके यहीं पे मेरे जितने ही मैसेज है यहाँ पे शो करेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो व्हाट्सअप का हो, चाहे वो ट्विटर्स का हो, चाहे वो कॉलिंग नॉर्मल क्यों ना हो, सब चीज़ गाइस यहीं शो करेगा। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं खाली आपको दिखाना है मुझे, तो बैक आ जाता हूँ मैं। ये बैक आ चुका हूँ गाइस। यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाके अलार्म भी सेट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए सेट टाइम, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। सब बैक आ जाते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिमोट कंट्रोल, ये गाइस रिमोट कंट्रोल सेल्फी, मतलब इसे आप टैप करके जैसे आप सेल्फी ले रहे हैं, तो गाइस जैसे बहुत से बंदे क्या कहते हैं फ़ोन रख के सेल्फी लेते हैं, तो ये वॉच में आपका स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आप इसे स्टार्ट करके अपने फ़ोन में सेल्फी ले सकते हैं। ओके नीचे आ जाते हैं, ये देख सकते हैं हार्ट रेट, तो देखिए यहाँ पे भी इसमें भी दे रखा है डोंट डिस्टर्ब मी मोड भी है गाइस, इसमें भी आपके नाम है डोंट डिस्टर्ब मी मोड भी लगा सकते हैं आप ये टाइमर के हिसाब से। ये हार्ट रेट है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, हार्ट रेट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये तो इसमें भी है। ये आ जाते हैं, ये ऊपर को कर लेते हैं, ये हमने हार्ट रेट, तो ये देखिए गाइस ये हार्ट रेट खुल गया। इसका कुछ सेंसर देख सकते हैं आप, बहुत सी वॉचों में रेड बत्ती जलती थी, इसमें ग्रीन है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसके ये हार्ट रेट है, ये भी कहना में चल रहा है। तो अब इसे बैक आ जाते हैं, है तो इसमें भी, आप इसमें भी कर सकते हैं, तो इसे बैक आ जाते हैं, आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस लैंग्वेज सेटिंग, यहाँ पे आप लैंग्वेज भी यहीं से कर सकते हैं, पावर सेविंग मोड, यहाँ पे बैटरी भी क्या नाम है पेयरिंग भी कर देते हैं, यहाँ पे बैटरी सर्वर है गाइस, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए वाइब्रेट, ये ओपन है, अभी आप इसे ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, आपकी वॉच वाइब्रेट होगी जैसे कॉल वॉल आती है, मैसेज आते हैं। अब आ जाते हैं बैक, यहाँ पे देख सकते हैं आपको डायल पे जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम डायल पे आ गए हैं, ये माई डायल पे है, ये देख सकते हैं सबसे आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है। अब आपको लगानी है अपनी डीपी, जैसे आपको अपने सोचते हैं कि मेरी वॉच पे मेरी पिक्चर्स दिखे, मेरा फोटो दिखे, तो आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट पिक्चर्स, तो आपको इस पर टैप करना है। तो ये हम जाएंगे सिलेक्ट पिक्चर्स, ये गैलरी में हमें ले आया, तो आपको जो फ़ोटो आपको लगानी है आपको वो लगा लेनी है, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ यार इस बच्चे को ले लेते हैं, इस बच्चे को हमने ले लिया है, अब इस बच्चे को एडजस्ट करना है हमें, लगने में तो देखने में जोकर लग रहा है पर कोई नहीं, से ले लेते हैं इस पर, इतना मैं रखना चाहता हूँ इतना रख लेना आपको, ये डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग आ रहा है, यहाँ पे टाइम का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ डन पे एक मिनट टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर देख लेना आपका, टाइम को आपको क्या नाम है, जैसे टाइम का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं ऑरेंज रखना चाहता हूँ, जैसे पिंक विंक नीला इस फिरोजी, यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल के लिए तो ब्लैक ही रहने दो, बच्चे की शक्ल बिगड़ रही है, तो नीचे आ जाते हैं, हार्ट रेट भी शो करेगा। अब आके आप रख सकते हैं स्लीप या डेट या हाइड कर सकते हैं आप, हार्ट रेट है ये देख सकते हैं, पेडीमीटर भी यहाँ पे शो करेगा क्योंकि आपने कितने कदम चले, ये सब चीज़ दिखा रही है। यहाँ पे हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं हार्ट रेट रख देता हूँ, मुझे तो खाली करके दिखाना। ये देखिए टाइम लोकेशन सेव एंड पे टैप कर देना, यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग चालू हो चुकी है, हमारा फोटो अब लगने वाला है, उसके लिए कुछ लोडिंग हो रही है, तो ये गाइस टाइम भी लग सकता है, तो इसके लिए मैं वीडियो को ज़रा स्किप कर देता हूँ। ओके
तो गाइस देखिए, जैसे कि हमारा ये हो चुका है 97%, यहाँ पे देख सकते हैं वॉच पे भी आ रहा है कुछ लोगो डाटा का ऑप्शन जैसा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 100% हो चुका है। तो ये देखिए वॉच पे हमारी डीपी लग चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना कूल कितना ऑसम लग रहा है इस बच्चे का फोटो, वाओ बच्चे ने दिल खुश कर दिया। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं वॉच का भी लुक देख सकते हैं, फिलहाल तो मैंने आपको डीपी लगा के दिखाई, तो डीपी देख सकते हैं कैसी लग रही है, अगर यहाँ पे हाथ पे रख के आप डीपी लगाते तो अलग ही लुक आएगा देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको इमेजिनेशन कराऊँ तो इसे इमेजिनेशन करिए, तो ठीक है। तो आपको मैंने डीपी लगा के दिखा दी है, तो गाइस यहाँ पे आपको साइड करेंगे तो देखिए कुछ क्या नाम है एप्स यहाँ पे भी शो करेंगे, सेटिंग का नाम है डोंट डिस्टर्ब मी मोर, रनिंग वनिंग सब यही शो करेंगे देख सकते हैं। यहाँ पे डेट वेट सब साइड कर लेना आप, यहाँ पे आ जाएगा जैसे थोड़े बहुत आप साइड से देखेंगे साइड से भी आ जाएगा। इधर क्या नाम है आपको थंबनेल चेंज, देखिए बच्चे का फोटो खो गया था, बच्चा मिल चुका मुझे, तो यहाँ पे आप साइड में करेंगे नॉर्मल थंबनेल चालू हो चुके, तो सबसे मेन चीज गाइस ये बैक आ जाते हैं। एक चीज आपको और दिखा देता हूँ कि आपके क्या नाम है ये वाले इसके नाम है सेकंड वाले स्टेप पर आपको टैप करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल थंबनेल भी है, जैसे आप अपना फोटो नहीं लगाना चाहते यहाँ पे आपको थंबनेल पसंद आ रही है देख सकते हैं, ये जोकर का बंदर का थंबनेल है, यहाँ पे बहुत से वॉच के थंबनेल देखेंगे कितने सारे हैं, तो यहाँ पे भी आप थंबनेल सेलेक्ट करके लगा सकते हैं ओके फ्री में बिल्कुल। ये वो वॉच के थंबनेल थे नॉर्मल, इससे तो ये तो रहेंगे, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, और आपको मैंने अपना फोटो लगाना तो दिखाई दिया। तो गाइस जैसे कि चलिए वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं, जाने से पहले एक कहूँगा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। गाइस एक लाइक तो बनता है यार मेरे लिए नहीं इस वॉच के लिए, ठीक है तो लाइक कर देना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई वॉच के साथ।